नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ गायत्री फ्रॉम वेस्टर्न उड़ीसा। और ये सुबह हो चुकी है, आज की सुबह है गुरुवार, आज गुरुवार है और ये 5:30 की टाइम है। अभी तक अंधेरा है, मैं दिखाती हूँ मेरे बेडरूम की झरोके से, देखिए अभी तक अंधेरा हुआ है। मैं रोज़ उठ जाती हूँ 5 बजे, लेकिन आज थोड़ी सी आग लग गई तो इसलिए 5:30 हो गया। तो अभी फिर चलते हैं अपनी ड्यूटी, तो हाउसवाइफ की जब उठो तब स्टार्ट। तो अभी पहले बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, जो मेरे रोज़ के काम होते हैं उठते ही। तो क्योंकि 6 बजे मेरे बेटे का स्कूल बस आता है तो उसे भी छोड़ने जाना होता है, तो 6 बजे तक सब कुछ ख़त्म करना पड़ता है। तो मैं रात को ही जो सुबह बनाऊंगी ब्रेकफास्ट वो थोड़ी बहुत ख़त्म कर लेती हूँ रात को ही उसका काम, तो सुबह जल्दी हो जाती है। तो मैं रात को ही वो सब्ज़ी कट करके रखी हुई थी, तो अभी उसे डायरेक्ट मैं प्रेशर कुकर में बिठाऊंगी सब्ज़ी को। देखिए अभी ये मेरे किचन की वो है, विंडो है, जिसमें मैं दिखाया कि अभी तक अंधेरा है। तो मैं फिर सब्ज़ी के लिए प्याज कट कर लूँगी, ओनियन, और फटाफट सब्ज़ी रेडी करके फिर आटा गूंद के फिर पराठा बनाऊँगी। तो आज की ब्रेकफास्ट है पराठा और सब्ज़ी। और मैं थोड़ी ये स्वीट कर दिया क्योंकि मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। और ये वीडियो शायद लॉन्ग हो जाती इसीलिए मैंने इसे थोड़ी स्वीट कर दिया है। तो अभी मैंने ये सब्ज़ी के लिए कुकर को चढ़ाया गैस पे, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड और बेटे भी उठ गए हैं, तो मेरे हस्बैंड के लिए चाय चढ़ाऊँगी, और फिर जब और मेरे बेटे के लिए चाय होने के बाद उसके लिए दूध चढ़ाऊँगी। तो पहले मैं सब्ज़ी का वो सब्ज़ी को छौंक के प्रेशर में उसे पहले बंद कर दूँगी। और ये मेरे हस्बैंड के लिए चाय चढ़ा रही हूँ, उनके लिए 2 कप एक साथ चढ़ा देती हूँ, और थोड़ी मेरे लिए मैं बाद में पीऊँगी, अभी जस्ट थोड़ी ही पीती हूँ ताकि वो फ्रेश सा लगे, वो नींद खुल जाए। तो उनके लिए एक साथ 2 कप चढ़ाऊँगी क्योंकि मैं जब बेटे को छोड़ने जाऊँ तो चाय रहे तो ये गर्म करके पी ले। तो एक मैं वो सब्ज़ी बना रही हूँ और दूसरे मैं हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ। सुबह के टाइम हर हाउसवाइफ की ऐसी ही भाग दौड़ भरी होती है सभी की। और ये सब्जी और चाय दोनों ही एक साथ हैं। और अभी मेरे बेटे को हस्बैंड उठा रहे थे, उठ गया है शायद, वो ब्रश कर रहा है, और चाय भी हो गई है शायद, हाँ हो गई है हस्बैंड की। अभी मेरे लिए छोटे से ऐसे कटोरी में मेरे लिए थोड़ी सी निकालूँगी, और उनके लिए कप में ऐसे निकाल के उन्हें दे आई, फिर उन्हें जगा के वो तो जगे हुए हैं, उन्हें दे आई। अब मैं थोड़ी सी चाय पी के फिर काम में लग जाऊँगी, मतलब वो आटा गूंदना है, फिर पराठे के लिए सब्जी तो मतलब चढ़ा दिया गैस पे, अभी आटा वो छोटे डिब्बे में से ख़त्म हो गया था, तो अभी वो बड़े वाले डिब्बे में बड़े वाले डिब्बे से मैं आटा निकाल के छोटे में भर दिया, क्योंकि उतना बड़ा डिब्बा तो रोज़ यूज कर नहीं सकते ना, तो अभी मैं वहाँ से आटा निकालूंगी। और एक छोटा डिब्बा में आटा रखी हुई हूँ क्योंकि वो जब बेलते हैं ना थोड़ी थोड़ी आटा लगता है, तो उसी के लिए। मेरी चाय बीच बीच में थोड़ी थोड़ी पी रही हूँ। तो नमक डाल दिया, अभी वो आटा गूंदूंगी, अभी वो पानी डाली। ये स्पीड हो गया है तो बहुत फनी लग रहा है इतना स्पीड नहीं तो मैंने नहीं गूंदा था आटा, और आगे देखिए कितना फनी लगता है, आग जैसे गिरी जाएगी कटोरी अरे बस करो यार, चलो चाय भी ख़त्म हो गई, फटाफट हाथ धो के पराठे बनाने में लग जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी बेटे का दूध उबालना बाकी है, उसे दूध के साथ एक टोस्ट दे देती हूँ सुबह, उतने सुबह तो वो खाएगा नहीं कुछ, तो
दूध के साथ एक टोस्ट दे देती हूँ और वो अपना टिफ़िन लेके जाता है। लेकिन आज उसका एग्ज़ाम है और जल्दी छुट्टी हो जाएगी, तो पता नहीं टिफ़िन का खाने का वो टाइम मिलेगा या नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कल से उसे सुबह कुछ जैसे लाइट जैसा कुछ ऐसे खिला के भेज दूँ, और जैसे और कुछ बिस्किट केक्स वगैरह ये दे दूँ आप उसके बैग में, क्योंकि जल्दी तो घर आ जाएगा। तो उसे पूछ रही हूँ अभी, मतलब उसके लिए एक पराठा बनाओ या दो, तो वो बोल रहा है अभी एक, तो उसके लिए एक ही पराठा बनाऊँगी अभी, और हस्बैंड के लिए बाद में बनाऊँगी। मैं बना के रखती नहीं, मैं मतलब खुद ही नहीं खाती, गरम गरम खाती हूँ, तो मुझे दूसरों को भी पसंद नहीं ऐसे रख के बना के रख देना फिर, तो वो जब खाएंगे थोड़ी देर पहले उनके लिए बनाऊँगी। तो अभी बेटे का दूध भी गर्म हो गया, अभी हमें वो दूध के साथ पीडियाश्योर हम देते हैं उसे, वो अच्छा रहता है बच्चों के लिए। तो उसे भी दे दिया और वो अपना फटाफट वो खाना पीना करके फिर वो उसे यूनिफॉर्म दे दूंगी, वो पहनेगा अपने आप। और फिर उसका स्कूल का बैग भी मैंने नहीं रखा था रात को, नहीं तो रख देती हूँ, तो नहीं रखा था, लेकिन आज एग्जाम है, ज़्यादा कुछ लेना नहीं है। और ये देखिए बिल्कुल उजाला हो गया, उजाला हो गया बिल्कुल। और अभी शायद 6 बजने में कुछ ही टाइम बाकी होगी, तो अभी बिल्कुल भाग दौड़ वाली, मतलब 6 बजे हमें घर से निकल जाते हैं तो अच्छा रहता है, नहीं तो बस छूट जाती है, देर हो जाए तो फिर बस का पीछा करो ऐसा रहता है। तो अभी सब्ज़ी भी हो गई है, थोड़ी ऐसे पानी थोड़ी ऐसे पतली लगी मुझे, तो अभी फिर से उसे थोड़ी वो गर्म करूँगी, शायद 6 नहीं बजी हुई है, नहीं तो हम रेडी हो जाते। अभी उसका यूनिफॉर्म दिया, हाँ 6 बज गई, अभी उसे टिफ़िन पैक करके मैंने दे दिया और हम ये निकले, उसे अभी छोड़ने जाऊंगी। हस्बैंड को चाय दे दिया है और एक बार शायद, और वो पी रहे हैं, वो भी अपना काम ख़त्म करके, वो भी उन्होंने भी निकलना है ड्यूटी के लिए, तो अभी मैं इसे छोड़ के आती हूँ बेटे को। तो उससे मैं अभी बोल रही हूँ गेट खोल, तू जल्दी जाके गेट खोल, मैं गाड़ी निकाल रही हूँ, कितना जल्दी रहती है सुबह के टाइम। और गर्मी की वजह से मैंने अपना बाल बांध दिया है, बिल्कुल गर्मी बहुत गर्मी हो रही है, इसलिए मैंने अपना एक ऐसे पौनी की तरह करके और नीचे से ऐसे बांध दिया है बाल को मेरे, और कुछ देर बाद तो बन ही बना लूँगी। तो अभी से बोल रहे हो गेट बंद कर, क्योंकि अंदर वो जानवर घुस आते हैं, तो नीचे वो पेड़ वगैरह मतलब वो सब्जी वगैरह लगा हुआ है तो वो खा लेंगे, इसीलिए गेट बंद करने के लिए बोला उसे। और अभी हम दोनों निकलेंगे, मतलब ज़्यादा दूर जाना नहीं होता है, पास ही है, मतलब वो हमारे गली के एंड तक जाना पड़ता है, मतलब वो मेन रोड तक, चौक तक जाना पड़ेगा, वहाँ आएगा बस। तो वहाँ पहले से कुछ बच्चे जाके वेट कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले के जितने बच्चे जाते हैं वो लोग पहले से वहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो मैं अभी बस ना छूट जाए इसी जल्दी में मैं स्कूटी लेके जाती हूँ, नहीं तो ज़्यादा दूर है नहीं, कभी कभी टाइम रहता है तो चल के भी जाती हूँ, वो मॉर्निंग वॉक जैसे हो जाता है, अच्छा लगता है। और इस टाइम ना ठंडी हवा चलती है, बहुत अच्छा फ्रेश लगता है बिल्कुल, और चल के आओ तो भी मतलब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लगा कि ऐसे ही मतलब ज़्यादा टाइम नहीं होती है तो मैं स्कूटी लेके चली जाती हूँ ताकि बस ना छूट जाए। अभी ये मेरा बेटा वहाँ जा रहा है, मुझे बुला रहे हो इधर आ बोल के, अभी गाड़ी नहीं आई है, हम सब वेट कर, अभी आ गई, बस आ गई, अभी ये बच्चे जाएंगे स्कूल। अभी ना इन्हें पता नहीं मैं शूटिंग कर रही हूँ बोल के, ऐसे मैंने भी छुपा के किया था, क्योंकि मेरे बेटे को पता था, उसे वो थोड़ा शर्मा रहा था, अभी मत करो मम्मी, लेकिन अरे तो चुभ रहे, किसी को पता नहीं चलेगा। अभी गया उनका स्कूल बॉस, तो मैं अभी यहाँ आ गई उसे छोड़ के, और अभी वो पूजा के लिए फूल लेके ऊपर चढ़ूँगी फिर, और मैं आ गई ऊपर, फिर हस्बैंड भी चले गए, अभी उन्हें नाश्ता दे दिया, अभी फटाफट जितना नाश्ते की बर्तन पड़ा था उसे वॉश करके मैं जाऊँगी नहाने। अभी घर का भी सारा काम हो चुका है, मैंने नहीं दिखाया है, झाड़ू
सब कुछ सफाई वगैरह हो चुका और अभी ये जितना बर्तन भी पड़ा था सुबह का हो गया। दिस इज गायत्री फ्रॉम ओडिशा, वेस्टर्न ओडिशा, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और ये मेरी पहली यूट्यूब चैनल की फर्स्ट वीडियो है, और अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि मेरी चैनल ग्रो कर सके। और अभी मेरे पास ट्रैपॉड नहीं है, इसलिए मोबाइल को ऐसे ही एडजस्ट करके वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर सम मिस्टेक। तो अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ, अभी पूजा का टाइम हो गया है। तो अभी पहले तो सूर्य देवता को जल चढ़ा दे चुकी हूँ और अभी तुलसी माता की पूजा कर रही हूँ, और इसके बाद मैं जाऊँगी अंदर पूजा करने के लिए जो ठाकुर जी हैं। तो अभी तुलसी माता की पूजा हो गई, अभी मैं ये वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दिया है, नहीं तो मेरी पूजा थोड़ी देर टाइम लगती है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसे मैंने स्पीड कर दिया। तो अभी तुलसी माता की पूजा हो गई है और फिर मैं इसके बाद अंदर जाऊंगी पूजा करने के लिए। तो पहले सूर्यदेव, तुलसी माता और फिर बाद में घर के ठाकुर जी की पूजा करते हैं। तो मैं ये अंदर भी पूजा कर चुकी हूँ और अभी आरती करूँगी। तो अभी आरती दिखा दिया हर जगह, वीडियो को मैंने स्पीड कर दिया है। तो अभी पूजा भी हो चुकी है, तो अभी रसोई में जाएंगे और आज का लंच रेडी करेंगे। तो अभी ये ना, हाँ ये भी ठाकुर जी हैं, और अभी ये एक कलश रखते हैं हमारे दरवाजे पे, बाहर रखते हैं, तो ये इसे अच्छा माना जाता है। और ये हमारे ठाकुर जी का दर्शन कर लीजिए आप सभी भी भगवान जी का, कितना मुझे बड़ा शांति मिलती है पूजा के बाद। इन्हें देखो तो बहुत हमेशा ही सुंदर दिखते हैं, लेकिन पूजा के बाद एक सुकून सी लगती है भगवान को देखने, मतलब सब कुछ देखे तो चलो अच्छे से आज पूजा हो गई बोल के ऐसे शांति लगती है। और ये तुलसी माता है तो दिए ना ज़्यादा घी की वजह से वो बुझ गया था, तो अभी मैं वो दिए को फिर से जलाऊँगी। तो अभी ये दिए जला दिए तुलसी माता की, और एक दिए हैं यहाँ पे दायनी तौर, क्योंकि ये पितृपक्ष चल रहा है तो वो पितर लोगों के लिए दायनी तरफ एक दिए हैं उनके लिए, क्योंकि वो भी हम पर हमेशा संतुष्ट रहे, आशीर्वाद दे, तो हाँ तभी हमारी उन्नति हो सकती है। और ये यहाँ पर मैं चावल और दाल चढ़ा दिया, यहाँ पे दाल है, दाल मतलब आज मैंने डायरेक्ट ही दाल को बिठा दिया, मतलब वो तेल में सरसों और वो जीरा डाल के उसे डायरेक्ट दाल डाल दे के वहाँ पे एक ऑनियन कट करके ऐसे चढ़ा दिया है दाल। और अभी ये दाल भी होने वाली है और एक दो एक सीटी में हो जाएगी। और अभी यहाँ पे चावल बैठा है तो मैं कुछ सब्जी अभी कट करूँगी, तो सोच रही हूँ कि आज भिंडी का सब्जी बना दूँ। हस्बैंड आ जाएंगे 2 बजे, तो मुझे 2 बजे के अंदर ही सब कुछ ख़त्म करनी होगी, क्योंकि वो सुबह से गए हुए हैं ड्यूटी पे, जब आते हैं उन्हें बहुत जोर की भूख लगी हुई होती है, तो उनके आने से पहले ही सब कुछ ख़त्म करना होगा। और मेरा बेटा कब का आ गया है, क्योंकि आज उसका स्कूल में एग्जाम था तो वो आ चुका है घर पर, और अभी वो TV देख रहा है। तो अभी क्या करते हैं, भिंडी को धो के ही काटेंगे, नहीं तो वो हो जाता है ना, सभी को पता है। भिंडी को पहले अच्छे से धो देंगे, तो मैंने अभी भिंडी को सारी कट कर दिया, यहाँ पर भी स्पीड कर दिया है वीडियो को, इसलिए वॉइस ओवर दे रही हूँ, क्योंकि मैं तभी खास रही थी और वो बहुत फनी लग रहा था वो ऐसे स्पीड मोशन में खासी। और मेरे दीदी का कॉल भी आया था बीच में, तो हमारे लैंग्वेज में बात कर रही थी, किसी को समझ में भी नहीं आएगी, और स्पीड में भी था, इसीलिए मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर दे दिया। और वो सारी भिंडी हैं, कोई कोई भिंडी तो ऐसे ख़राब, मतलब वो रह के ना वो कुछ ज़्यादा ही जैसे पेड़ में पक जाते हैं तो ऐसे मुँह में आते हैं धागे की तरह, तो ऐसे भिंडी को फेंकना पड़ता है। तो अभी ये मैंने भिंडी चढ़ा दिया, यहाँ पे चढ़ाऊँगी मैं आज जीरे का चौंक डाल के ये भिंडी को चढ़ाऊँगी, सरसों का भी डालती हूँ, और एक तरफ
वो चावल चढ़ा हुआ है, इस तरफ चावल हो रहा है, दाल हो चुका है और दूसरी तरफ मैंने ये भिंडी को चढ़ा रही हूँ। तो भिंडी को अभी चढ़ा दिया यहाँ पे और नमक हल्दी ये सब मैं बाद में डालूंगी। भिंडी में तो पहले शुरुआत में नमक डालते ही नहीं है, नहीं तो बिगड़ जाती है, सभी को पता है नमक भिंडी में बाद में ही डाला जाता है। तभी इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी, कुछ देर बाद ही यहाँ पे सब कुछ ऐड करूंगी। ऐसे थोड़ा मिक्स करके ऑयल में इसे ऐसे होने देंगे अपने आप, ये होता रहेगा, बाद में फिर यहाँ पे जो डालना है डालेंगे। चलो बाद में अलग हो जाएगा। तो अभी भिंडी हो चुकी है लगभग, तो अभी यहाँ पे सब कुछ डाल भी दिए हैं मैंने हल्दी, और यहाँ पर भी चावल हो चुकी है। तो यहाँ पे वो मिलती है, क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं हिंदी में, लेकिन हमारे यहाँ पे कांकड़ो बोलते हैं वो। अभी वो सीजनेबल वेजिटेबल है, अभी मिलता है वो छोटे छोटे वाले, तो उससे मैं ऑनियन डाल के ऐसे कढ़ाई में इसे फ्राई करूंगी भाजा की तरह। तो इसे मैं ऐसे छोटे छोटे करके चिप्स की तरह भी करती हूँ, लेकिन हस्बैंड ने बोला था कि ऐसे करने को आज, और थोड़े से दही थे तो मैंने दही बैगन सोचा बनाने को। ये है एक सब्जी जो ककड़ों की जो बोल रही थी, और ये है दाल। ये एक फल है जो बहुत खट्टा रहता है, तो मैं इसे कल बनाई थी गुड़ दे के अचार की तरह। ये आउ आउ का खट्टा बोलते हैं हमारे यहाँ। और ये दही बैगन, देखिए दही बैगन, और ये भिंडी प्याज। तो मेरा कंप्लीट हो गया कुकिंग, अब मेरा बाकी काम है। वॉशिंग मशीन में कपड़ा पड़ा हुआ है, मैं अभी जाऊँगी उसे धूप में डालने के लिए, और अभी वो बर्तन को खाली कर दिया है, थोड़ा वो घिस लूँगी जिसमें कुकिंग किया है। अभी हस्बैंड भी आते होंगे, चलो फिर चलते हैं, बाकी काम का ख़त्म कर लेते हैं। अभी मैं मिल रही हूँ सीधे आपको शाम के टाइम। ये शाम की पूजा हो चुकी है, दिखाती हूँ अभी ठाकुर जी को। देखिए जितने भी फूल लगे थे भगवान के, वो सारे मैंने अभी उतार दिए हैं, क्योंकि वो भी रात को सोएंगे, थोड़ा हल्का फुल्का लगना चाहिए ना। तो सब कुछ सारे फूल वगैरह मैंने वो साफ कर दिया है, और उन्हें वो पहले वाली सारी वो जो है पानी है वो निकाल के, और फिर नया अच्छे मतलब दो लोटा पानी मैंने रख दिया है, ताकि उन्हें भी रात को प्यास लगे तो वो भी पी सके। तो अभी शाम की पूजा भी हो चुकी है, भगवान खाना भी खा चुके हैं, तो अभी हम इन्हें कहते हैं गुड नाइट। हेलो फ्रेंड, सुबह से मैं सीधा मिल रही हूँ अभी शाम को। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए हुई तो होगी बहुत सारी गलती, प्लीज़ इग्नोर इट एंड सपोर्ट मी। तो अभी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।